श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। उद्यमेश्वर तंत्र में यक्षिणी साधना। उद्यमेश्वर तंत्र रावण जी द्वारा प्रतिपादित यक्षिणी साधना कलयुग में उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि सतयुग में हुआ करता था। और जो शक्तियों का विश्लेषण इसमें किया गया है, माना जाता है कि पूरा जीवन लगा देने से एक यक्षिणी की साधना संपन्न होती है। और एक यक्षिणी अगर आपके पास आ जाती है, उसके बाद दूसरी यक्षिणी की साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। जीवन में एक यक्षिणी साधना करनी चाहिए। जब मैं विधान मंत्र आपको बताता हूँ, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने फैंसी के हिसाब से आप किसी भी साधना या किसी भी शक्ति को साध नहीं सकते। आपको लगता है कि क्योंकि कपालिनी यक्षिणी दूरदर्शन की शक्ति देती है, जैसे संजय को महाभारत में था, तो ये आपके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि हर साधक का एक औकात होता है। और किसी भी चीज़ को करने से पहले अपना जो बेस है उसको स्ट्रांग किया जाता है। एक केजी का बच्चा अगर एरोप्लेन बनाने का मैप लेके बैठ जाए, तो उसको जितनी सफलता मिलेगी उतनी ही सफलता आपको मिलेगी अगर सीधे आप शक्ति साधनाओं पे उतर जाते हो। तो गुरु मंत्र करो, भैरव जी की साधना करो, काली की साधना करो, तो माता का एक स्वरूप साध लो, उसके बाद फिर शक्ति साधना में उतरना चाहिए कम से कम 3-4 साल बाद। आज जिस शक्ति की बात कर रहे हैं वो कपालिनी यक्षिणी है। कपालिनी यक्षिणी द्वारा सिद्ध लोग कहीं भी बैठे बैठे किसी और जगह के बारे में जान लेते हैं। इसको अंग्रेज क्लेयरवॉयंट कहते हैं। और ये शक्ति ध्यान से भी और कुंडलिनी को जगाने से भी आती है। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि उद्यमेश्वर तंत्र, मतलब तंत्र द्वारा किस तरीके से हम इस शक्ति को जागृत करें। तो अमावस्या के दिन व्रत कर ले। अगर अमावस्या नहीं तो नवरात्र में जो निशा बलि वाली रात होती है, मतलब तो अष्टमी और नवमी का जो निशा होता है, उस दिन व्रत करें, ठीक है। और उसके बाद यक्षिणी यंत्र बनाएं, दक्षिण दिशा की तरफ बैठ सकते हैं या पूरब की तरफ बैठ सकते हैं मुंह करके, और कॉटन के अलावा कोई भी आप आसन रख सकते हैं। सामने में भोजन परोसें, प्रसाद जैसा भोजन नहीं, मतलब चावल बना करके, उसके बाद अलग अलग तरीके के व्यंजन रख करके, उसके बाद जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उसका 20,000 आप जाप करेंगे। 20,000 जाप करने के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं। चाहे तो आकाश मार्ग में आपको यक्षिणी की का प्रारूप दिखेगा, या फिर आपको सपने में यक्षिणी दिखाई देगी। दोनों सिचुएशन में आपको उनको वचनबद्ध करना है कि आप मुझे दूरदर्शन की शक्ति दे दो। इसमें कोई हवन नहीं होगा, बस 20,000 जाप होगा और उसके बाद जो भी भोजन है वो उनको अर्पण हो जाता है। तो मंत्र क्या है? मंत्र है ओम एम कपालिनी द्राम द्रिम क्लाम क्लिम क्लुम क्लैम क्लौम क्लह हंस सोहम सकल हंसत्री फट स्वाहा। इस मंत्र का 20,000 आप जाप करेंगे और उसके बाद जो भी भोजन है वो उनको दे देंगे। देखो, इस तरह के मंत्र जाप में क्या होता है कि गिनती विहीन जाप करना चाहिए, लेकिन
किसी भी साधना को करने में, जैसे कि साधक को बोल दिया जाता है कि एक रात में 9 माला करना, तो आप समझ लो कि पहला अटेम्प्ट जब आप साधना कर लेते हो तो आप 9 माला नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि जब 9 माला आप करते हैं तो हो सकता है पहला 1-2 माले में आपका ध्यान रहे उस शक्ति का जिसका आप साधना कर रहे हो, लेकिन जब तीसरा चौथा माला जाओगे तो थोड़ा इधर उधर दर्द, 6-7-8 में ध्यान भ्रमित, ठीक है, 9 में और भी पूरे ब्रह्मांड की चिंता आपको सताने लगती है, तो एक अटेम्प्ट में साधनाएं जनरली सफल नहीं होती हैं। तो उसको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ऐसा करते रहना चाहिए जब तक आपको प्रत्यक्षीकरण ना हो। गिनती इसमें 20,000 की दी गई है। 20,000 अगर पहली बार ना हो तो उसको वहाँ पर छोड़ दीजिए। आप मान के चलो 5,000 भी पहली बार जाप करते हो तो आपको कृपा आने लगेगी, आपको समझ में आने लगेगा कि शक्तियाँ हमारे साथ हैं। 20,000 जिस दिन किया शुद्ध उच्चारण के साथ, शुद्ध मन के साथ, शुद्ध ध्यान के साथ, उस दिन प्रत्यक्षीकरण होगा, चाहे सपने में हो या आकाश मार्ग में हो। एक बार प्रत्यक्षीकरण हुआ तो फिर उनको बस आप अपने वचन में बांध लो कि मैं अगर आँख बंद करके कहीं देखना चाहूँ तो मुझे दिख जाए। अच्छा, एक बार जब दिखना भी शुरू होगा तो प्रैक्टिकल का विषय है। बहुत बार जो दूरदर्शन की चीज़ें दिखती हैं वो सिंबल में दिखती हैं, ठीक है, तो वो आप देखते रहोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, अब मुझे ये शक्ति पूरी तरह प्राप्त हो गई है। आज के लिए इतना ही। जिसको बेसिक साधना सीखनी है, जैसे आसन मंत्र, बंधन मंत्र, दिशा बंधन, भैरव साधना, ऐसी कई एक साधनाएं हैं, तो वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है। डायरेक्ट बात करने के लिए मेरा वेबसाइट है www.aghortantra.xyz, उस पर जाइए, अपॉइंटमेंट सेक्शन में आप जाइएगा तो आपको लिंक मिलेगा। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप में rudranath@cm4 सर्च कीजिए। अभी रुद्रनाथ के नाम से काफ़ी फेक प्रोफाइल भी है, तो rudranath@cm4 मेरी तस्वीर आएगी, उस पर आप कॉल करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कुछ बहुत अर्जेंसी हो तो मुझे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, अन्यथा मत करिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी को दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश, अलग आदेश।